आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आईपीएल के 10वें संस्करण में 26वां मैच गुजरात लायंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में खेला जाएगा, जहां गुजरात लायंस की कमान सुरेश रैना संभाल रहे हैं, वहीं किंग्स 11 पंजाब की कमान ग्लेन मैक्सवेल के हाथों है। आइए बात करते हैं इन दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मैच के समीकरण की। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों में धुरंधर खिलाड़ियों की। सुरेश रैना की टीम में उनके साथ साथ ब्रेंडन मैकलम, एरोन फिंच जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, वहीं ग्लेन मैक्सवेल के पास हाशिम अमला, मार्क स्टोनिस जैसे खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि हाशिम अमला ने अपने पिछले मैच में 104 नाबाद रन बनाए थे, बावजूद इसके किंग्स 11 पंजाब वो मैच नहीं जीत पाया था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना की टीम केकेआर को हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी होगी। पिछले मैच में 200 रन बनाने के बावजूद जब किंग्स 11 पंजाब को हार का सामना करना पड़ गया तो वो इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। गुजरात की बात करें तो मैकलम और सुरेश रैना इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों के लिस्ट में शुमार है। मैकलम के जहां 258 रन हैं, वहीं सुरेश रैना के 243 रन हैं। और इस तरह से इस टूर्नामेंट में वो उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हो। वहीं मैक्सवेल के पास इसके साथ साथ अक्षर पटेल और वरुण एरोन जैसे गेंदबाज भी हैं। गुजरात लायंस की बात करें तो उनके पास एंड्रयू टाई है, जिन्होंने केवल 3 मैचेस में 7 विकेट चटका लिए हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा जो उनके ऑलराउंडर वेपन कहे जा रहे थे वो अभी तक चलने में नाकाम रहे हैं। वहीं प्रवीण कुमार भी इस बार बहुत ज्यादा कुछ नयापन अपनी गेंदबाजी के अंदर नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से वे सबसे ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। लायंस के पास इनके अलावा केरला पेसर बासिल थम्पी भी है। गुजरात लायंस के बॉलिंग अटैक की बात करें तो वो आईपीएल के 10वें संस्करण में कुछ खास नहीं कर पा रही है। 6 मैचेस में अब तक 19 विकेट गुजरात लायंस के गेंदबाज गिरा पाए हैं। गुजरात लायंस और किंग्स 11 पंजाब के पॉइंट्स की बात करें तो किंग्स 11 पंजाब 6 मैचेस में 2 मैच जीतकर अंक तालिका में बना हुआ है 5वें नंबर पर, इसके 4 पॉइंट्स है। वहीं गुजरात लायंस ने भी 6 में से 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन अंक तालिका में वो 7वें स्थान पर बना है 4 पॉइंट्स के साथ। अब देखना ये होगा कि ये दोनों टीमें इस मैच में क्या कमाल कर पाए। आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।